अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप फ्री फायर थंबनेल डिज़ाइन करें, वो भी फ़ोटोशॉप में। वैसे तो आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, मेरे पास फ़ोटोशॉप ओपन है, तो फ़ोटोशॉप 2019 यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फ़ाइल है, तो फाइल में आपको जाना है। फाइल में जाने के बाद न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपको पहले साइज़ बना लेना है। साइज़ बनेगा 1280x720, रेजोल्यूशन 72, क्रिएट। ठीक है, हमारा साइज़ आ गया। अब मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने यूट्यूब से करी थी स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं ये गेम नहीं खेलता। तो आप भी अपनी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके उसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक, ये आपकी चॉइस है, आपको जिस तरीके से रखना है वो आप रख सकते हो, जो भी आपकी स्क्रीनशॉट है। लेकिन आप जो है इसी हिसाब से बनाएं जो कि अच्छी लगे। तो मैं यहाँ जाने के बाद जो है लेवल में जाऊँगा, इसको कर दूँगा यहाँ से क्लिप। क्लिप करने के बाद मैं इसके कलर्स थोड़े एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और इसको लेवल सेट वगैरह मैं कर लेता हूँ। इसकी हाईलाइट, इसकी कंट्रास्ट जो भी है वो मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ जाऊँगा ब्राइटनेस में। ब्राइटनेस में जाने के बाद भी अच्छा, ये ऑलरेडी अभी क्लिप है। क्लिप इसलिए क्योंकि ऊपर वाली फाइल क्लिप है, तो इसलिए ये नीचे वाली फाइल ऑटो क्लिप हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ऐसे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। सही, ये करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल में जाने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से ग्रेडियंट कलर ले लेता हूँ और इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा येलो, येलो कलर ये वाला चूज़ कर लेता हूँ मैं। कुछ ज़्यादा येलो हो गया तो इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ ऐसे। ठीक, यहाँ मैं जो ऑरेंज ले लेता हूँ जो कि ये वाला है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कलर, और इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ ऐसे। ठीक, ओके, देख लो, ओके ओके, इसको मैं कर देता हूँ रिवर्स, ओके। और मैं यहाँ कर देता हूँ उसको कलर बर्न। ठीक है, और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ 72। सही है, कलर बर्न के साथ जो है मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। बाकी मेरे पास हमारे पास यहाँ मास्क है, मैं बी प्रेस करूँगा। बी प्रेस करने के बाद हमारा ब्रश आ जाएगा, सॉफ्ट राउंड ब्रश। इसको मैं ऐसे चला दूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी चॉइस, आप जिस तरीके से भी चलाओ, लेकिन आप जो है सॉफ्ट राउंड ब्रश से ऐसे चलाओगे तो वो उसका लुक जो है वो थोड़ा अच्छा आ जाएगा। ठीक, बाकी इसको आप रिवर्स करके देखो तो रिवर्स कर देते हैं, वरना आप ये भी कर सकते हो, जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसको ओपेसिटी जो है वो आप और कम कर सकते हो, 64 कर दो, या आपको अगर 75 ही अच्छी लग रही है तो आप कर सकते हो। ये करने के बाद जो है मैं जाऊँगा ग्रेडियंट फिल में दोबारा, यहाँ उसको कर दूँगा रेडियल। रेडियल करने के बाद रिवर्स, इसके बाद मैं यहाँ कर दूँगा 300। ठीक है, 300 करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दूँगा तो ये मूव ऐसे हो जाएगा। ओके, ओके के बाद मैं यहाँ इसको कर दूँगा 64। ठीक है, ये एक विग्निटी टाइप का जो है बन जाएगा आपके पास। बाकी हमें क्या करना है, हम इसको इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है ना, ताकि वो अच्छा सा उसका लुक आ जाए। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे क्लिप कर देते हैं, या आप क्लिप ना भी करो तो कोई ऐसी हरज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं अब जो है यहाँ मेरे पास फायर है तो मैं ये लेके आ जाता हूँ और इसको मैं यहाँ कर दूंगा स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दूंगा और इसको इस तरीके से मैं ले आऊँगा। ठीक है, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा लेग की तरफ यहाँ रख लूँगा ऐसे। ठीक, इसको कंट्रोल जे करूँगा। कंट्रोल जे के बाद जो है मैं इसको कंट्रोल टी करने के बाद इसको कर दूंगा यहाँ से राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक, और इसको मैं दोबारा कंट्रोल जे करूँगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा। ऊपर ले जाने के बाद मैं इसको कंट्रोल टी करने के बाद इसको वर्क कर दूँगा और इसको थोड़ा सा ऐसे
मूव कर दूंगा यहाँ ऐसे, ठीक है ऐसे, ज़्यादा नहीं करना, बस इतना करना है। इसको मैं करूँगा इंटर कंट्रोल टी और इसको मैं ऐसे मूव करके एडजस्ट कर लूँगा। ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं और इसको कंट्रोल जे करने के बाद मैं कंट्रोल टी करूँगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा और इसको जो है मैं इसको इस तरीके से रख दूँगा ऐसे। फिर दोबारा कंट्रोल जे करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और इसको ऊपर वाली साइड पे ऐसे घुमा दूँगा और उसके शोल्डर की तरफ मैं ऐसे रख दूँगा, ठीक है। और अब मैं इन यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करने के बाद जो है मैं शिफ्ट प्रेस करके ऐसे क्लिक करूँगा और कंट्रोल जी कर दूँगा तो इनका ग्रुप बन जाएगा एक, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ पार्टिकल्स ले आता हूँ, मेरे पास पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करूँगा और इसको यहाँ कर दूँगा स्क्रीन। और मेरे पास और पार्टिकल्स हैं कुछ, वो भी मैं ले आता हूँ। ये लेके आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगा और इसको मैं स्क्रीन कर दूँगा इसको भी। अब मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यूजर सेशन में इसको कर दूँगा क्लिप और इसको जो है मैं इसको येलो कर दूँगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास मास्क है, मैं बी प्रेस करूँगा, बी प्रेस करने के बाद सॉफ्ट राउंड ब्रश से मैं यहाँ चला दूँगा। अच्छा एक मिनट, तो मैं यहाँ प्रेस करने के बाद जो है, अच्छा नहीं मैं यहाँ नहीं प्रेस करूँगा, मैं यहाँ यहाँ क्लिक करने के बाद मास्क करूँगा, फिर मैं बी प्रेस करके रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स आ रहे हैं वो आप रहने दो, वो आपकी चॉइस है, वो आप अगर हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। इसकी जो है मैं ओपेसिटी कर देता हूँ कम, 64 कर दूँगा और जो है मैं अब ये जो है लाइट ये लेके आ जाता हूँ और इसको जो है कर देता हूँ स्क्रीन। और इसको मैं डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा ह्यू सैचुरेशन, इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको इस तरीके से येलो कर दूंगा। येलो आप कर सकते हो या ऑरेंज भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब मैं जो हूँ यहाँ पे ले आता हूँ, हमारे पास ये ले आते हैं हम फ्लेम, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा थोड़ा सा और इस तरीके से मैं रखूँगा इसको ऐसे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको कर दूंगा स्क्रीन, स्क्रीन करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। अगर आप इसको कलर एडजस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना मैं तो इसको नहीं करूँगा क्योंकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो ऑरेंज येलो में बन रहा है, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं जो हूँ ये ले आता हूँ लाइट्स, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसको इस साइड पे रख दूँगा, ठीक है। इसको मैं कर दूँगा स्क्रीन, स्क्रीन करने के बाद मैं यहाँ करूँगा, यहाँ करने के बाद मैं करूँगा ह्यू सैचुरेशन, इसको करूँगा क्लिप, इसके बाद जो है मैं इसके जो है कलर को एडजस्ट कर दूँगा ऐसे। फिर मैं जो हूँ लेके आऊँगा यहाँ पर, हमारे पास ये है बर्निंग बर्निंग फ्लेम, ठीक है। और इसको जो है मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ऐसे, और ऐसे करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा साइड में इस तरीके से रख देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको नॉर्मल स्क्रीन कर दूँगा, सही। वरना आप लाइनर डॉज भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ताकि वो उसका लुक जो है वो थोड़ा अच्छा आए, सही है। ह्यू सैचुरेशन से इसके भी कलर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो अभी जो है मैं, ये हमारा हो गया, हमारे पास ये रह गई है, तो ये भी मैं ले आता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसको मैं नीचे ले आऊँगा ऐसे, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन, स्क्रीन करने के बाद मैं सोच रहा हूँ मैं इसका ह्यू सैचुरेशन में जाऊँगा, क्लिप करूँगा, क्लिप करने के बाद यहाँ हम कलर्स में चले जाएंगे और इसको मैं कर दूँगा ऑरेंज, यहाँ इसकी सैचुरेशन बढ़ा दूँगा 70 कर दूँगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो। बाकी मैं इसको करूँगा यहाँ क्लिक करने के बाद कंट्रोल टी, थोड़ा सा बड़ा करूँगा और उसको थोड़ा सा ऐसे रख दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। हमारे करेक्टर के जो पैर हैं, इसके जो लेग्स हैं, वहाँ नहीं आनी चाहिए ये सब, वरना आप रिमूव भी कर सकते हो। जैसे कि मैं मास्क कर देता हूँ यहाँ और ब्रश लूँगा, ब्रश टूल लेने के बाद जो है मैं इसको ऐसे रिमूव कर दूँगा, ठीक है।
इसको भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस, आप जैसा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। मैं जो हूँ अब क्या लेके आऊँगा, मैं लेके आऊँगा यहाँ पर लाइट्स, कलर्स, ठीक है। कलर्स लेके आने के बाद जो है मैं यहाँ जाऊँगा ह्यू सैचुरेशन, इसको भी मैं कर दूँगा ऑरेंज ऐसे, ठीक है। वरना आप इसको थोड़ा सा और क्लिक करने के बाद मैं इसको ऑरेंज कर लेता हूँ इस तरीके से। बाकी हमारा जो रह गया है वो फ्रेम है, तो मैं फ्रेम भी ले आता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, इसको भी मैं कर दूँगा ह्यू सैचुरेशन, क्लिप मास्क, और जो है मैं इसको कर दूँगा ऐसे येलो। ऊपर येलो आना चाहिए, नीचे रेड आना चाहिए, ठीक है, यानी ऑरेंज, तो उसका लुक जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सही है ना। अच्छा, हमने अभी इसके ऊपर जो काम किया था इसकी से, हाँ ये जो हमारा है इफेक्ट, इसको जो है इसकी ओपेसिटी आप कर दो 64, ठीक है, ताकि वो अच्छी लगे। मैं जो नीचे की साइड जाऊंगा और इसको यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाने के बाद जो है मैं इसको कर दूंगा लेवल, और ये क्लिप मास्क हुआ हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है। और अब जो है मैं इसको कर दूंगा यहाँ ये आप देख रहे हो मास्क, इसको मैं कर दूंगा शिफ्ट आई, सॉरी शिफ्ट आई नहीं, कंट्रोल आई, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। बी प्रेस करूंगा, अच्छा शायद आपको समझ में नहीं आएगा ब्रश का, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसकी वजह से ब्रश आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये जो है मैं इसको वाइट कर देता हूँ यहाँ एक्स प्रेस करने के बाद, और जो है मैं इसको ऐसे ग्लो दे देता हूँ ऐसे। वैसे इतना ज़्यादा ग्लो तो होगा नहीं, लेकिन यह है कि इससे जो है आपका जो करेक्टर है उसकी ब्राइटनेस बढ़ सकती है ऐसे, देख सकते हो आप, ठीक है। ये आपकी चॉइस, आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। बाकी मैं एक ग्रंच लेके आ जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही रखूंगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और मैं जो हूँ इसको करूंगा कंट्रोल जे कंट्रोल टी, इसको मैं करूंगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो इसको ऐसे कर दूंगा इस तरीके से, सही है। इन दोनों को मैं करूंगा कंट्रोल टी, और उसको ऐसे घुमाने के बाद थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ऐसे। अब जो है मैं ये वाला भी ग्रंच ले आता हूँ, इसको जो है मैं थोड़ा सा इस तरीके से रख देता हूँ ऐसे, और बाकी मैं कंट्रोल टी करूंगा, और इसको एक मिनट, मैं इसको कंट्रोल जे करने के बाद कंट्रोल टी करूंगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको यहाँ रख दूंगा सही। ये भी मैं ले आता हूँ, और इसको जो है मैं स्मॉल करूंगा, और इसको यहाँ रख दूंगा इस तरीके से, ठीक। इसको भी मैं कंट्रोल जे करूंगा, कंट्रोल टी करने के बाद मैं इसको करूंगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको यहाँ रख लूंगा, सही है। बाकी आप इसको और मूव भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना, या आप अपने मर्जी से देख सकते हो जैसा आपको सही लगे। बाकी थोड़ा सा मैं इसको और कर देता हूँ ऊपर की साइड ऐसे, ठीक है, ताकि उसका लुक जो है थोड़ा अच्छा है, और उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मैं टी प्रेस करूँगा यहाँ, और यहाँ मैं जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है ब्रश स्ट्राइक, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कैफलोक नहीं, कैफलोक नहीं, शिफ्ट बी प्रेस करने के बाद मैं लिखूँगा बूया, ठीक है, कैफलोक, ठीक है। कंट्रोल टी, इसको मैं ऊपर की साइड ले जाऊंगा। अभी इन सब का मैं बना देता हूँ शिफ्ट प्रेस करने के बाद, क्लिक यहाँ करूँगा, यहाँ कंट्रोल जी करूँगा, ग्रुप बन जाएगा, और इसको मैं ऐसे लेके आने के बाद बड़ा करूँगा, और यहाँ इसको कर दूँगा थोड़ा सा मूव इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने मूव कैसे किया है ये आप समझ गए होगे मैंने कैसे किया है, आर शिफ्ट और कंट्रोल, इन दोनों को प्रेस करने के बाद मैंने इसको इसक्यू कर दिया। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ इसको थोड़ा सा और ग्रंच लेके आने के लिए इसको जो है मैं करूँगा डुप्लीकेट, इसको मैं ऊपर की साइड ले आऊँगा, अनग्रुप कर दूँगा, और यहाँ जो है मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, यहाँ मैं करूँगा सॉलिड कलर, इसको कर दूँगा वाइट, और इसको मैं कर दूँगा इसके ऊपर क्लिप इन मास्क, देख सकते हो आप इसका क्या हो गया कलर। इन दोनों को मैं कर देता हूँ कंट्रोल ई,
कंट्रोल टी करूंगा, छोटा करूंगा, ठीक है, और उसको यहां रख दूंगा ऐसे, ठीक है। बाकी आप इसको कंट्रोल जे करने के बाद जो है इसको मूव करके यहाँ भी रख सकते हो ऐसे, सही है। और आप इसको कंट्रोल जे के बाद यहाँ पर भी रख सकते हो, जैसा आपका दिल करे वो आप रख सकते हो, आपकी चॉइस है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऐसे। अच्छा, अभी आप ये कह रहे होगे कि छुप गया, तो मैं इसको यहाँ क्लिक करने के बाद ई प्रेस करूँगा तो इरेजर आ जाएगा, और मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ ऐसे, सही है। अब मैं इन तीनों को, चारों को जो है शिफ्ट प्रेस करने के बाद कंट्रोल जी करूँगा, ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप के बाद जो है मैं इसको कर देता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ कलर, हमारे पास येलो है, या नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके ओके करने के बाद जो है मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे आउटर ग्लो, आउटर ग्लो के लिए भी मैं यही कलर चूज कर लेता हूँ, और यहाँ इसकी ओपेसिटी, ये वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो स्क्रीन है, इसको मैं 9 कर देता हूँ, या आप 6 कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको आप 0 रखना। अब मैं कर देता हूँ ओके, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से मूव कर देता हूँ ऐसे, कंट्रोल टी ऐसे, सही है, सही। इसको मैं कर दूंगा यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा पीछे वाला टेक्सचर है, और यहाँ मैं कर दूंगा फिल्टर में जाने के बाद इसको मोशन ब्लर, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, 20 की जगह मैं 15 करके देखता हूँ, इसको कर देता हूँ 10 में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और बाकी आप 5 भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप 5 कर लेना, वरना आप मोशन ब्लर नहीं भी दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, अब मैं टेक्स्ट जो है यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ जो है मैं लिखूँगा फ्री फायर, ठीक है, और मैं जो हूँ कंट्रोल टी करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा ऐसे, और इसको भी सेम इसी तरह मूव कर दूँगा ऐसे, और थोड़ा सा छोटा कर दूँगा ताकि वो हमारा ऊपर की साइड में ऐसा आ जाए, सही है। बाकी मैं इसको कंट्रोल जे करने के बाद मैं फिर इसको जो है यहाँ नीचे की तरफ लेके आऊँगा, यहाँ मैं टी प्रेस करूँगा इसके ऊपर, और यहाँ मैं कंट्रोल ए करने के बाद बॉस GFX, सही, कंट्रोल टी, इसको मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ, ये आ गया हमारा बॉस GFX, सही है, हमारा नाम आ गया। जो भी आपका चैनल है उसका नाम भी आप यहाँ टाइप कर सकते हो। इन दोनों को जो है मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, यहाँ मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ जो है मैं आउटर ग्लो में इसको कर दूंगा वाइट, और मैं इसको कर दूंगा ओके, सही है। और अब जो है मैं इन तीनों को इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, इसको कर देंगे ओके। ये ओके इसलिए आया क्योंकि हमारा मोशन ब्लर हुआ हुआ है, इस वजह से ये पूछ रहा था कि मैं इसको अप्लाई करूँ या नहीं, तो इसलिए मैं जो है ओके करना पड़ा, मैं इसको ओके कर दूंगा। और अब हमारे पास एक इफेक्ट और रह गया, वो है ये डेड किल वाला, हेडशॉट वाला, तो मैं इसको यहाँ एडजस्ट करके यहाँ ऊपर रख लेता हूँ। बाकी आप इसकी ह्यू सैचुरेशन में जाओगे, इसको मैं कर दूंगा क्लिप, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऑरेंज, आपको अगर नहीं भी ऑरेंज करना हो तो आप मत करना, जैसा आपको सही लगे वैसा आप करना, सही है, आपको जो सही लगे आप वैसा करना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी एक लास्ट चीज़ रह गई, वो मैं ले आता हूँ, वो हमारा ब्रश, तो इसको मैं ले आकर आ जाता हूँ यहाँ, और इसको मैं ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल जे करूँगा, कंट्रोल टी, और इसको मैं ऐसे ही ले जाता हूँ, फ्लिप वर्टिकल, ओके डन हो गया। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं जो हूँ इन सबको करूँगा यहाँ शिफ्ट प्रेस करने के बाद कंट्रोल जी, और यहाँ मैं जाऊँगा, यहाँ जाने के बाद कलर लुकअप, और यहाँ जो है मैं जाऊँगा लोड कलर्स, लोड में मेरे पास ये जीजी में जो है प्रीसेट रखा हुआ है एक क्यूब, तो मैं लेके आ जाता हूँ, ये लेके आने के बाद जो है आप देख सकते हो उसका लुक कैसा होगा। नहीं अच्छा लग रहा तो कोई मसला नहीं,
ये आपकी चॉइस है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको अप्लाई करो, वरना मैं इसको कर देता हूँ यहाँ 35। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे और कमी लग रही है, यहाँ हमारा जो ग्रंच है वो कुछ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ये अभी हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है, या बॉक्स देख लो। डबल क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ से देखता हूँ कौन सा वाला ग्रंच है वो ज़्यादा लग रहा है, ये वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ ऐसे, कंट्रोल एस करूँगा, फाइल सेव हो जाएगी, यहाँ से मैं इसको कर दूँगा क्लोज। ठीक हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो अपना एजेस स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर हो तो। मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल आर शिफ्ट ई, तो ये फाइल जो है मर्ज हो जाएगी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में, इसके बाद कैमरा और फिल्टर, यहाँ मेरे पास कुछ इसके प्रीसेट हैं जो कि इसके अपने हैं, मैं ये वाला प्रीसेट यूज़ करूँगा, इसको करूँगा ओके। ओके करने के बाद जो है मैं यहाँ इसको कर दूँगा 75, 64, मेरे हिसाब से 64 अच्छा लग रहा है, बाकी आप 50 भी कर सकते हो अगर आपको 50 करना हो, या आप जो है और ज़्यादा कम करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा थंबनेल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसको फाइल कुछ करूँगा सेव एस, और इसको मैं करूँगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे करने के बाद मैं इसको कैप लॉक प्रेस करने के बाद हमने फ्री फायर, सही है, सेव, इसको मैं कर दूँगा ओके। अच्छा अब जो है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट में जाना है, सेव फॉर वेब लेगेसी, यहाँ पर भी आप जाओगे ऐसे करोगे क्लिक, तो जो है ये आपकी फाइल जो है यहाँ आ जाएगी। इसके बाद जो भी सेटिंग है वो आप सब देख लो, इसको छोड़ देना, सही है, इसको भी छोड़ देना, बाकी जितनी भी फाइल है जितनी भी सेटिंग है वो आप सब कर लो। सेव करूँगा मैं, सेव करने के बाद मैं इसको जो नाम मैंने लिखा था वो आ गया सेव। ठीक है, हमारी फाइल सेव हो गई, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हो इसका लुक कैसा आया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप नए हो तो। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए खुदा हाफिज़।